महाबळेश्वर इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन महाराष्ट्र और ये बहुत सुंदर सा हिल स्टेशन है जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आकर्षित होते हैं। यहाँ पे आप आराम से 3-4 डेज का हॉलीडे ट्रिप प्लान कर सकते हो और हमने भी 2 डेज का ट्रिप प्लान किया। Day 1 में हमने क्या क्या किया इसका ऑलरेडी व्लॉग बनाया है, वो भी व्लॉग आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज हम बचे हुए बाकी सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। और आप ऐसे ही और नए व्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है Day 2 और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 7 o'clock। आज सुबह हम सभी जल्दी उठ गए क्योंकि उठकर हमें जल्दी रेडी होना है और रेडी होके हमें बाहर घूमने जाना है, बहुत सारे प्लेसेस को विजिट करना है और टाइम कम है, इसलिए हम जल्दी फटाफट उठ गए और सब रेडी हो गए। उससे पहले मैं आपको हमारे होटल का थोड़ा आउटसाइड टूर कराती हूँ। ये प्लेस सच में बहुत ही खूबसूरत है और मॉर्निंग में यहाँ पे इतनी शांति है, यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया है। चलो तो अभी हमारी मॉर्निंग की चाय आ गई, अभी हम मॉर्निंग को सिर्फ चाय पी के बाहर घूमने जाएंगे और ब्रेकफास्ट वगैरह हम बाहर ही कर लेंगे। मॉर्निंग अराउंड 8 बजे के आसपास हम होटल से निकल गए और Day 2 की शुरुआत की हमने महाबळेश्वर मंदिर से। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और ये मंदिर 7 किलोमीटर दूर पे है मेन बस स्टैंड से। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया था। इस मंदिर का मेन आकर्षण है यहाँ पे 6 फीट लंबा शिवलिंग है। मंदिर से ठीक 2 किलोमीटर आगे एल्फिस्टन पॉइंट है जो अराउंड 10 किलोमीटर है मेन सिटी से, जिसे महाबळेश्वर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट में जाने के लिए हमें 500 मीटर नीचे उतरना पड़ता है जहाँ से हम महाबळेश्वर का सबसे खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ से हम 2 नदियों के बीच एक बड़ा सा घाट देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में है कोयना नदी और राइट साइड में आती है सावित्री नदी, जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ भी हमने बहुत से फोटोज निकाले, बहुत इंजॉय किया और आगे की ओर बढ़ गए। इसके बाद हम गए सावित्री पॉइंट पे। सावित्री नदी महाबळेश्वर के 5 नदियों में से एक नदी है जिसका निर्माण यहीं से होता है, सो इस पॉइंट को सावित्री पॉइंट नाम दिया गया। और यहाँ से भी महाबळेश्वर का नज़ारा काफी खूबसूरत दिखाई देता है। इसके बाद गए हम आर्थर सेट पॉइंट जो मेन सिटी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट को सर आर्थर मैलेट की वजह से नाम दिया गया। ऐसा कहते हैं कि सर ने अपने वाइफ और डॉटर को इसी पॉइंट पर खो दिया था और इसी पॉइंट पर बैठकर सावित्री नदी की ओर देखकर उन्होंने काफ़ी वक्त यहाँ पर ही बिताया था। यहाँ पर आपको टोटल 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे, आर्थर सेट पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, विंडो पॉइंट, हंटर पॉइंट और मैल्कन पॉइंट। और यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट गाइड भी होते हैं जो आपको अच्छे से टूर का गाइड करा देंगे और उनके कुछ चार्जेस होते हैं 100 रुपीज। और ये सारे पॉइंट देखने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है इको पॉइंट जहाँ से आवाज़ लगाने पर आपको आपकी आवाज़ वापस सुनाई देगी। इसके बाद है टाइगर पॉइंट, ऐसा कहते हैं जंगली जानवर पानी पीने के लिए इसी पॉइंट पर आते थे, इसलिए इस पॉइंट का नाम टाइगर पॉइंट दिया है। इसके बाद है विंडो पॉइंट जहाँ पे नेचुरल माउंटेन से विंडो शेप बना है, इसीलिए इस पॉइंट को विंडो पॉइंट नाम दिया गया। इसके बाद है हंटर पॉइंट, कहते हैं सारे ब्रिटिशर यहाँ पर हंटिंग के लिए आते थे, इसलिए इस पॉइंट को हंटिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आता है मैल्कम पॉइंट। मैल्कम पॉइंट से प्रतापगढ़ और सावित्री नदी को अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आता है केट्स पॉइंट जो मेन सिटी से अराउंड 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर भी आपको इको पॉइंट और एक अलग इको पॉइंट देखने को मिलेगा और वहां का मेन आकर्षण पॉइंट है एलिफेंट हेड पॉइंट और उसको ही नीडल पॉइंट कहा जाता है, जहाँ पे नेचुरल पत्थर से ही हाथी का सर बना हुआ है जो दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है।
यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए अच्छे स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पर नाश्ता जूस मिलता है, और यहाँ पे आप अच्छे से रिफ्रेश हो सकते हो। हमने भी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यहीं पर किया, थोड़े से फोटो वगैरह निकाले और आगे की ओर बढ़ गए। इसके बाद हम गए खूबसूरत वेना लेक। इसे महाबलेश्वर का सबसे खूबसूरत लेक कहा जाता है, जिसे 1846 में सातारा डिस्ट्रिक्ट के राजा श्री अप्पा साहेब महाराज ने बनवाया था। ये लेक टोटल 2.5 किलोमीटर फैला हुआ है और इसके आजू बाजू में आप फुल ऑफ ग्रीनरी हिल्स देख सकते हैं। और ज्यादातर पर्यटक यहाँ पर जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बोटिंग करने को मिलेंगी। और दो टाइप की बोटिंग मिलती है, एक तो रो बोटिंग और दूसरा है पैडल बोटिंग। और वो बोटिंग के कुछ चार्जेस होते हैं, पर आवर वो कुछ चार्जेस करते हैं। हमने भी यहाँ पर बहुत मस्ती की, खास करके तो मेरे देवांश ने बहुत मस्ती की, उसे ये वेना लेक बहुत पसंद आया। इसके अलावा यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग भी करने को मिलेगी, सो बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, हॉर्स राइडिंग का मजा लेते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने के स्टॉल भी दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी काफ़ी राइड्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई राइड, डैशिंग कार, ऐसे बहुत से एंटरटेनिंग फन गेम्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। तो ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारे एज ग्रुप के लोग इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक सारे एज ग्रुप यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने बहुत मस्ती की, बहुत से फोटोज निकाले और आगे की ओर बढ़ गए। इसके बाद हम गए मैप्रो गार्डन की ओर, जहाँ पे आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरी देखने को मिलेंगी, और जहाँ पर स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग होती है। और टोटल इंडिया में जितने भी स्ट्रॉबेरी मिलती है, तो 80% ऑफ स्ट्रॉबेरी यही से वो बेचते हैं। और ये है मैप्रो गार्डन का एंट्रेंस गेट।
महाबलेश्वर एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। यहाँ आके आप काफी रिलैक्स फील करोगे और काफी आपको पीस लगता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे नेचर प्लेस है जो आपको अपने ओर आकर्षित करते हैं। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, आपने भी इंजॉय किया है। ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग पे मिलते हैं, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।